दोस्तों, अगर आपको पेटीएम ऐप पे किसी भी कंप्लेन से रिलेटेड या फिर किसी भी रीजन से अगर आपको पेटीएम के कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी पड़ जाती है, तो ऐसे में आप कैसे पेटीएम के कस्टमर केयर अधिकारी से बात कर पाएंगे? इस कंडीशन में आपके पास नंबर नहीं होता जिससे कि आपकी जो बात है पेटीएम कस्टमर केयर से हो सके। तो आज की इस वीडियो में आपको पेटीएम के कस्टमर केयर के नंबर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप किसी भी कंप्लेन से रिलेटेड या किसी भी कारण से आप पेटीएम के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकें। तो चलिए बताता हूँ वो कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले उस नंबर को पाने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल को खोल लेना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, सेम ऐसे आपको टाइप करना है, पेटीएम कस्टमर केयर नंबर। ऐसे टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट जो है paytm.com कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे अब जो है पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स के नाम से एक यहाँ पे टॉपिक दिखेगा। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिशियली एड्रेस है। और उसी के जस्ट नीचे तीन फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, पहला फ़ोन, दूसरा कस्टमर केयर और थर्ड मर्चेंट केयर। अब आप इनमें से जिस तरीके के यूजर हैं आप उसी नंबर का इस्तेमाल करें। फ़ोन पे आप फ़ोन, वैसे तो आप तीनों ही नंबर को यूज कर सकते हैं, बट अगर किसी कंडीशन में जो है, अगर आप देखिए नॉर्मल अगर यूजर हैं तो आप कस्टमर केयर नंबर लगा सकते हैं जो कि बीच वाला है, फ़ोन भी लगा सकते हैं ऊपर वाला है। अगर किसी कारण से अगर आपके ये दो नंबर नहीं लगते तो तीसरा जो मर्चेंट केयर है इसको आपको डायल करना और मिला लेना है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में बात करने के लिए एक दवाएँ, इंग्लिश के लिए दो दवाएँ। आप जिस लैंग्वेज में भी प्रेफर करते हैं बात करने के लिए वही यहाँ पे जो है आपको की दबाना है, और आप आसानी से इन नंबरों का यूज करके जो है पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियली नंबर ही जो मैंने बताया है, बिल्कुल ऑफिशियल नंबर है, कोई फेक नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर किसी कारण से आप जब भी नंबर मिलाएं अगर वहाँ पे नेटवर्क इशू आता है या फिर कॉल बिजी बताता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ टाइम के बाद जो है कॉल करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कॉल करते रहते हैं, इस वजह से लाइन बिजी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप पेटीएम के कस्टमर केयर अधिकारी से बात कर सकते हैं।